अपने काम और हुनर से हमेशा चर्चा में रहने वाले हरिद्वार के डीएम दीपक रावत को हर कोई जानना चाहता है। इसके पीछे कई कारण हैं। 40 साल के दीपक रावत मूल रूप से मसूरी के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी विजेता सिंह भी वकील हैं। दोनों की एक बेटी है। रावत दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं और वो पुराने क्लासिक गीतों के बहुत शौकीन हैं। वो खुद भी बहुत सारे गाने गुनगुनाते नजर आते हैं। वो कई बार गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में भी गाने गा चुके हैं। पहले दीपक रावत हल्द्वानी में बतौर एसडीएम तैनात थे। उसके बाद उनकी तैनाती बागेश्वर में बौद्ध डीएम हुई। कुमाऊं मंडल विकास निगम के भी एमडी रहे रावत। अगर सबसे ज्यादा कहीं से चर्चा में आए तो वो थी उनकी नैनीताल में पोस्टिंग। नैनीताल में डीएम रहते हुए दीपक रावत ने कई ऐसे काम किए जिनकी वजह से उनको एक अलग स्तर के अधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। नैनीताल के अस्पताल में डॉक्टरों को गलती पर हड़काना हो या फिर पार्किंग के चक्कर में दिल्ली की महिला टूरिस्ट से विवाद, दीपक रावत के इसी अंदाज से स्थानीय लोगों के बीच काफी चर्चा में है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जब दीपक रावत नैनीताल जिले के डीएम थे तो वहाँ के हाव भाव बदल गए थे। यहाँ पर कोई भी कानून को हाथ लेने की जिज्ञासा नहीं करता था और न ही कोई अवैध व्यापार कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त आज दीपक रावत जी खुद ही जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा लेते थे। उन्हें देख अपराधी कांपने लगते हैं। उनका अंदाज भी ऐसा ही होता है कि वो अपराधी को रंगे हाथ पकड़ते हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर स्कूलों तक इनके नाम का डर रहता है। इस वक्त वो ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में लोग सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। हरिद्वार के हनुक्कड़ चौक चौराहे पर उनके काम की चर्चाएं होना आम बात हो गई है। दीपक का कहना है कि वो आज चाहे जिस भी पद पर हैं, लेकिन अपने आप को वो बच्चा ही मानते हैं और उन्हें बच्चा बने रहने में ही आनंद आता है। वो कभी नहीं चाहते कि उनके अंदर जो एक बचपना है वो खत्म हो। हालांकि वो कभी कभी सोचते हैं कि सीरियस रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। डीएम दीपक रावत कहते हैं कि वो अपने काम को बेहद पसंद करते हैं। उन्हें उनका काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। उनका कहना है कि दिन भर उनका ऑफिस लोगों से भरा रहता है, लेकिन समय खत्म होने के बाद जब वो कई लोगों से नहीं मिल पाते हैं तो उन्हें बेहद दुख होता है। हालांकि अगले दिन का सबको समय दिया जाता है। डीएम दीपक रावत कहते हैं कि उनको ट्रैकिंग का बहुत शौक है। साथ ही फोटोग्राफी का शौक रखने वाले दीपक हरिद्वार में अपने दफ्तर से बाहर निकलकर अपने साथ साथ अपने अधिकारियों की भी खूब ट्रैकिंग करवाते हैं। डर लगने को लेकर दीपक रावत का कहना है कि वो जिस तरह से कार्यवाही करते हैं उसके बाद उन्हें भी डर लगता है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उनके दफ्तर से बाहर जाकर कार्यवाही करने के बाद घर से भी फोन आते हैं। घर के लोग कहते हैं कि आप रिस्क क्यों लेते हैं, अपना काम आराम से बैठकर करो, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए गलत को सही करने के लिए निकल जाते हैं। गुस्से को लेकर भी दीपक रावत लोगों की पहली पसंद है। हालांकि उनका गुस्सा अक्सर तभी देखा जाता है जब वो सिस्टम में गड़बड़ी देखते हैं। दीपक रावत मानना है कि एक अधिकारी बनना बहुत आसान है, मुश्किल है एक नेता बनना। इसलिए वो आज तक इस विषय में नहीं सोच पाए हैं कि कभी राजनीति में जाएंगे। उनका कहना है कि वो अच्छे से अपना काम करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वर्तमान में दीपक रावत को देश का सबसे तेजतर्रार अधिकारियों में से एक माना जा रहा है। हरिद्वार में उनकी ताबड़तोड़ कार्यवाही को लोग इतना पसंद करते हैं कि हर युवा आज उनके जैसा बनना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।